फटाफट आज पूरे दिन बस हॉस्पिटल से घर घर से हॉस्पिटल निकलेगा और हालत थक मतलब अभी से मैं थक गया ना इधर उधर गया। हाय गाइस वेलकम बैक टू चैनल, आई होप यू आर वेल। तो भाई अभी बज रहे हैं 10, मैं उठा हूँ 8:45 बजे से। सीन ये हुआ कि मम्मी ने मेरे को दी थी दूध और भाई दूध पी लिया मैंने, मतलब थोड़ा ज़्यादा सा, तो उससे मेरे को वॉमिटिंग सेंसेशन हो गई। भाई मेरे को नींद नहीं आई, फिर मैं थोड़ा बहुत घूमा घूमा बाहर ये सब करा, फिर मैं आके लेट गया। लेटा हल्की सी आग लगी, बहुत हल्की वाली, मतलब वो कभी भी टूट रही थी बीच में, मैं ऐसे सोया मैं, फिर मैं उठ गया। मैंने सोचा क्या उठ जाता हूँ, उठ उठ के पानी वानी पीता हूँ, काम वाम करता हूँ, दिन शुरू करता हूँ। आज एक पेपर सा भी है मेरा छोटा सा, वो भी देना है मेरे को, इस पर टाइम नहीं पता उसका कब है, तो वो दूंगा। बस यही कुछ काम वाम मैं भी करता हूँ, फटाफट उठता हूँ। पर मतलब मैं सोचा था कि पहले तो जब मेरे को वॉमिटिंग सेंसेशन होती थी कि अभी उठ जाता हूँ, फिर मैंने सोचा यार नहीं अभी उठ गया ना दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि सर्दी हो रही है और उठने का मन करता नहीं, मैं इसलिए उठा ही नहीं, इसलिए मैं लेट आया था। अब उठता हूँ फटाफट, पानी वानी पीता हूँ, काम करता हूँ। अरे कोई बंदा वेट कर रहा है ना, इसलिए बोल रहा हूँ। मुझे पता है, थोड़ी देना मेरे को बहुत। हाँ तो चीनी तो डाल दूँ। अभी मैं दर्द हो रहा है मम्मी के, फिर दवाई लेने का अनिल को तकरी खाते कह रही नहीं, फिर कह रही मेरे सर में भी दर्द हो रहा है, मतलब जो कुछ भी खा लो भैया। मैं थोड़ी देर में लगाता कि अभी खा लो डॉक्टर के, टाइम पता नहीं क्या हो रहा। अभी चाबी लेना फटाफट भैया, आ गए हो? i20 नहीं चलते हैं, चाबी दे दो ना i20 की। तो भाई सीन ये है कि अभी हमें जाना है हॉस्पिटल, क्योंकि एकदम से भाभी की तबीयत खराब होगी, मतलब मैं उठाई था तो भैया का फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे हो गए जल्दी का, और अब जा रहे हैं। और मैं इस इंसान को पिछले आधे घंटे से बुला रहा हूँ कि 15 मिनट में घर के बाहर आ जाए, पता नहीं कहाँ खड़ा, घर भी फोन छोड़ गया, हाथ कर दी इस बंदे ने। अबे कम से झूठ बोल रहा तो सीख ले ढंग से। अबे तू तेरे को फोन नहीं करता क्या, 15 मिनट बाहर आ, तू कहाँ खड़ा है? बाहर खड़ा था तेरी गली की, तो मैं तो कहा था घर आ जा, तब क्यों नहीं बोला तू, जब तू बाहर नहीं कर रहा। ओ झूठे, जब तेरा फोन आया तो अपने घर था, क्योंकि तू फोन तो लेके आया नहीं, बताना जब तू फोन लेके आया नहीं, क्योंकि फोन से फोन आया तेरे फोन, अभी द्वार में आया, पहले तूने अपने फोन से कर रहा, झूठे आदमी। अभी एमरजेंसी तो कुछ कह नहीं रहा, झूठ बोल, लेट हो रहा हूँ मैं, जब तूने मेरे को फोन करा जब तू अपने घर था। ओके झूठा आदमी ये, भाई झूठा इंसान है, इसको देख लो शक्ल, हर व्लॉग में झूठ बोलता है। इतना लेट हो रहा है और बेचारे को इतना ही जाम, मेरा शक्ल बेचारे की जल्दी चलना इधर से, मैं चल रहा हूँ भाई, जाम बहुत ज्यादा है प्रांशु जी के लिए, इसको पहुंचना है 11:30 तक, घर और जी पहुंचने में मैं लिख के देता हूँ तेरे को, प्रांशु अभी देख 11:03 हो रहे हैं, तू नहीं पहुंच पाएगा भाई 11:30 तक, जाम देखो कितना ज्यादा लंबा लगा, बहुत ज्यादा। प्रांशु यू विल नॉट बी एबल टू रीच योर डेस्टिनेशन बाय 11:30 AM। भैया i20 की चाबी दे दो, वापस जानी है वो, ये हाँ वो रहेगी क्या? नहीं वो भी जा रही है, तुम बड़ी मम्मी को ले जा, मैं वहां चला जाता, बैग दे दे उसमें से, दूसरी संदीप की गाड़ी में से। हाँ वैगनआर में जाओ, वैगनआर में आप संदीप के साथ चले जाओ। हाँ बड़े भी संदीप के साथ चले जाओ, मैं वहां जाऊंगा सामान। तो भाई सीन ये है, मेरे को समझ नहीं आया कि गाड़ी लेके हम आए क्यों हैं, जब कुछ काम ही था तो यहीं से वापस जा रही हूँ गाड़ी लेके मैं, मेरे को पहले एक जगह काम से ना रजौरी, फिर वहाँ से घर जाऊँगा, और कितनी गर्मी लग रही है ना, फिर मम्मी मेरे के साथ जाना है,
फिर थोड़ी देर में मतलब 2-3 घंटे में फिर वापस यहाँ आना, लैपटॉप का चार्जर वार्जर सब देने सामान। बस मैंने मेरे को समझ नहीं पर वापस हमें बुलाया क्यों यहाँ पर, संजीत आ जाता अकेला। संजीत को मैंने बोला था तू ले जा गाड़ी, क्योंकि संजीत की गाड़ी घर के बाहर ही खड़ी थी, हमारी पार्किंग गाड़ी थी इसलिए। तो अब घर जा रहा हूँ भाई, यही प्लान है अभी तक का। फिर मेरे को समझ नहीं आया हमारे को बुलाया क्यों। चलो जो भी, अब आ गए आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रांशु भी लेट हो रहा, प्रांशु को बोल दूंगा उस घर से मेरे को जाना रजौरी है काम से, वो काम उठाऊंगा फिर घर जाऊंगा। फिर थोड़ी देर बाद में 2-3 घंटा फिर वापस आना है। ये देख आ रहा हूँ कल्ले अंकल को और संजीत को ना एयरटेल स्टोर से लेके आ रहा हूँ। संजीत को एयरटेल स्टोर पर छोड़ गया था, काम था वहाँ पर, तो उसको लेके आऊंगा। ये देख आ रहा हूँ, 10 मिनट आ रहा हूँ, फिर चलेंगे, बड़ी मूवी जाएगी आज, मेरी भी भूख नहीं है। ठीक है, तो भाई अपना हो चुका सारा काम, जो सी ए का उदन था पेपर वो भी दे दिए, संजीत का बस वेट कर रहा हूँ मैं, वो भी आने वाला है 5 मिनट में, कहना 5 मिनट रुको। पता नहीं कि सिम विम चल नहीं रही है, क्या दिक्कत आ रही है, 4G चल रहा है उसमें, ई चल रहा है ना, 2G या 3G जो भी चल रहा है मेरे को नहीं पता, नहीं 2G चल रहा है, 2G मतलब ई 2G है। इसलिए वेट करो, नहाऊंगा अभी घर जाके, फिर जाऊंगा मम्मी मेरे को ले जाए हॉस्पिटल। आज ये पूरे दिन हॉस्पिटल में निकलेगा मेरा, घर से हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से घर, ये काम करना मैंने आज पूरे दिन। आटा बना के रहे हो ये? कौन सा इसमें नॉर्मल पराठा ना, मेथी वेथी का तो नहीं है? अचार नहीं निकला हुआ भाई, नींबू वाला यार, लस्सी होता है, मेरे को बहुत तेज भूख लग रही है। तो भाई मैं हो चुका नहा धो के बिल्कुल रेडी, बस पूजा नहीं करी क्योंकि अभी बज रहे हैं 1:15। मम्मी ने कह दी कि मैंने पर्दा ढक दिया तो पूजा मत कर। भाई मैं सबसे पहले आते ही खाना खाया, इतनी तेज भूख लग रही थी हद से ज्यादा। अभी मतलब 1:30 बजे तक निकल जाएंगे हॉस्पिटल के लिए, सामान वामान लेके जाना, चाय वाय लेके जानी है, मम्मी बन रही है अभी। पता नहीं मेरे को ना यहाँ कुछ चुभ रहा है, ये इधर शायद जब बाल कटा था ना तो उसमें बाल चले गए टी शर्ट वी शर्ट में, तो पर धुल गई, तब भी नहीं क्यों हो रहा दिक्कत। अब जो भी है चलते हैं फटाफट, आज पूरे दिन बस हॉस्पिटल से घर, घर से हॉस्पिटल निकलेगा। हाँ थक, मतलब अभी से मैं थक गया ना, इधर उधर गया 2-3 बार हो गया, पर चलो जो भी है अभी चलते हैं फटाफट। चाय बन चुकी है सब, मतलब बन रही है, वो लेते हैं फिर जाते हैं। भाई प्लान ऐसा है कि हमारा जो काम था वो हो चुका है पूरा, हम आ चुके हनुमान मंदिर, सामने मंदिर है, और जो काम था वो हो चुका था पूरा। तो हमने सोचा कि मंदिर बीच में है, मतलब रास्ते में पड़ रहा था, हम चले जाते हैं फटाफट, खा लिया मंदिर, 5 मिनट दर्शन जाएंगे और फिर सीधा हॉस्पिटल जाएंगे। अभी हमारे टाइम अभी बज रहे हैं 2:15, हम 3-3:15 तक हॉस्पिटल पहुँच जाएंगे, फिर वहाँ से सीधा घर, बस सामान देना और सीधा घर पहुँच जाएंगे। फिर भाई अभी तक का यही कुछ प्लान है, और घर जाकर मेरा एक छोटा सा पेपर भी है वो भी देना है मेरे को, 4:15 के करीब है, उससे पहले घर तक आराम से पहुंच जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है हमारे। भाई प्लान ऐसा है कि हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं अभी हम, और मम्मी यार अंदर गए सामान देने, मम्मी अंदर गए सब पहुंच गई, गाड़ी लग जाती है अभी, मम्मी गए अंदर सामान देने, मैं बाहर ही रुका हूँ, फटाफट घर जा रहे हैं। मेरा पेपर है, छोटा सा एग्जाम है, वो 4-4:30 के करीब है, अब चलते हैं फटाफट, अभी 3:30 हुए हैं पर पहुंच जाएंगे 15 मिनट में घर, अब निकलते हैं फटाफट से। भाई अपना एग्जाम हो चुका है खत्म, मतलब 1.5 घंटे का एग्जाम था, मेरे को लगा छोटा है, पर मैं बाद में चेक करता हूँ, 1.5 घंटे का एग्जाम था, अभी हो रहे हैं 5:40, फटाफट चलता हूँ मंदिर क्योंकि अंधेरा हो गया होगा, पहले जो मंदिर चलता हूँ और रोटी और बिस्किट ले लेता हूँ वो डाल दूंगा, आरती होगी मंदिर में, आरती भी रुक जाएंगे 5-7 मिनट की होगी, जल्दी से फटाफट चलता हूँ, फिर आके दूध पीऊँगा और फिर आके व्लॉग खत्म कर देंगे। बहुत ज़्यादा यार थक गया मैं इधर उधर जाते आते जाते, इसलिए
तो भाई इसी बात करते हैं इस वीडियो को यहीं पर, अगर वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। जय हिंद, अमोक तनवर साइनिंग ऑफ।